Today we are going to discuss one important question. Question is ABCD is a parallelogram and EFCD is a rectangle. Also AL is perpendicular to DC. So prove that area of ABCD equal to CD into AL. CD into AL means area of ABCD. ABCD एक parallelogram है और parallelogram का area होता है base into height. हमको वही prove करना है कि parallelogram का area base into height होता है. तो देखिए question में given है EFCD is a rectangle और AL is perpendicular to DC. अब रेक्टेंगल का एरिया बेस इनटू हाइट होता है, पैरेललोग्राम का एरिया हमको प्रूव करना है कि वो भी बेस इनटू हाइट होता है. अब देखिए अगर ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाए तो एरिया तो उसका वही हो जाएगा ना, बेस इनटू हाइट. इट मींस कि सीडी इनटू एएल. हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल ए एल डी को शिफ्ट करते हैं. ये ट्रायंगल है ए एल डी, इसको हम कट करके यहां पर अगर शिफ्ट करते हैं तो देखिए ये भी रेक्टेंगल बन गया. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट. राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी एंड ई एफ CD are parallelograms. वैसे तो A, B, C, D parallelogram है और E, F, C, D rectangle है. But rectangle भी एक parallelogram ही होता है. तो मैंने यहाँ given में लिखा है A, B, C, D and E, F, C, D are parallelogram and are on the same base. Same base पे है और height भी इनकी same है. तो इनके areas equal होंगे. Then area of A, B, C, D is equal to area of E, F, C, D. अब देखिए area of rectangle क्या होता है? Base into height. तो area of E, F, C, D equal to होगा base यानी कि C, D into height यानी कि AL. तो लेकिन हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है कि ABCD का एरिया और EFCD का एरिया इक्वल होता है. तो ABCD का भी एरिया क्या होगा? CD into AL. या हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ EFCD की प्लेस पे हम एरिया ऑफ ए बी सी डी लिख सकते हैं. एरिया ऑफ ए बी सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी इंटू ए या डी सी भी लिख सकते हैं, इसमें एक ही बात है. तो प्रूव हो गया हमारे पास एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है वो भी बेस इंटू हाइट ही होता है. और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.